नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में नए संसद भवन की नींव रखेंगे, जो वर्तमान में मौजूदा बिल्डिंग से अधिक बड़ी और आधुनिक सुविधाओं वाली होगी। इस समारोह की शुरुआत इंडिया गेट के पास दोपहर 12:55 पर हुई। पीएम मोदी ने करीब 1 बजे भूमि पूजन किया। इसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन होगा। पीएम मोदी संसद के नए भवन की पूजन और शिलान्यास के बाद समारोह को संबोधित भी करेंगे। कैसा होगा नया संसद भवन? पुरानी संसद भवन से नई बिल्डिंग में आधुनिक तकनीक जरूरतों को ध्यान में रखा जा रहा है। अगर 2009 में मौजूदा लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की ओर से नए संसद भवन का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव के मुताबिक नया संसद भवन 64,500 स्क्वायर फीट मीटर में बनाया जाएगा, जो 4 मंजिला होगा और इसका खर्च 971 करोड़ रुपए आएगा। इस संसद भवन को 2022 तक तैयार किया जाएगा। सभी सांसदों के लिए संसद भवन परिसर में दफ्तर बनाया जाएगा, जिसे 2024 तक तैयार किया जाएगा। नई बिल्डिंग का डिजाइन HCP डिजाइन मैनेजमेंट ने किया है, जो अहमदाबाद से है। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट द्वारा किया जाएगा। नई बिल्डिंग में ऑडियो विजुअल सिस्टम डेटा नेटवर्क फैसिलिटी को ध्यान में रखा जा रहा है। नई बिल्डिंग में कुल 1224 सांसद के बैठने की सुविधा होगी। इनमें 888 लोकसभा चैम्बर में बैठ सकेंगे, जबकि राज्यसभा चैम्बर में 384 सांसदों के बैठने की सुविधा होगी। भविष्य में अगर सांसदों की संख्या बढ़ती है तो उसकी जरूरत पूरी हो सकेगी। संसद भवन में देश के हर कोने की तस्वीर दिखाने की कोशिश की जाएगी। नई बिल्डिंग में सेंट्रल हॉल नहीं होगा, लोकसभा चैम्बर में ही दोनों सदनों के सांसद बैठ सकेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन।